हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी तीसी की कचौरी, जिसे हम अलसी भी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी कचौरी बनता है तीसी का। बिल्कुल जो मार्केट में कचौरी मिलता है, सेम वही कचौरी हम बनाकर तैयार करेंगे आज घर पर अलसी का। ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप इसकी पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिया है मैंने मैदा, 3 कटोरी मैदा लिया है मैंने। आप मैदा की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ा सा मैदा भी मिक्स करके ये बना सकते हैं, लेकिन मैं बस मैदा से ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल, 3 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ मैं। इससे जो कचौरी बनेगा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, तो आप रिफाइन ऑयल ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो है नमक 1/2 चम्मच, और डालेंगे अजवाइन, 1/2 चम्मच अजवाइन भी डाल देंगे हल्का सा क्रश करके। इसके बाद इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में। तो ये देखिए, मैंने अजवाइन भी डाल दिया है। इसके बाद अच्छे से हाथों की सहायता से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है तीसी का कचौरी, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा तीसी का कचौरी। तो ये देखिए, मिक्स कर लिया है मैंने। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो रेडी करेंगे। डो बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है आपको। ज़्यादा टाइट अगर आप डो मैदा का बनाएंगे तो स्टफिंग करने में दिक्कत होगी, तो आप जो है थोड़ा सॉफ्ट ही डो बनाइए इसका। तो एक साथ पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो रेडी करेंगे। तो डो रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, डो भी रेडी हो गया है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। तो मैं इसे ढक के रख दूंगी अब 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम जो है इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है तीसी। इसका हम लड्डू भी बनाते हैं, ठंड में इसका लड्डू भी लोग बनाते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको भून लेना है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, तो इसको हम जो है धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक कि इसका थोड़ा कलर नहीं चेंज हो जाता और कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो आप इसको लो फ्लेम पर भूनते रहिए, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए लगातार ऐसे ही चलाते हुए। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे तो ये जल जाएगा, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा कचौरी का। तो आप इस तरीके से लो फ्लेम पर इसको भून लीजिए। तो ये देखिए, अच्छे से भून गया है। तो मैं इसे बाहर निकाल के ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद इसका एक पाउडर रेडी करना है आपको, इसको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसी तरीके से बिल्कुल फाइन पाउडर आपको बनाना है। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च, इसको भी ग्राइंड करके हम स्टफिंग में डालेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए फिर से हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। आप चाहें तो खाली तीसी से भी ये कचौरी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे स्टफिंग में तो टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है कचौरी का। तो आप इसी तरीके से 1 कटोरी बेसन इसमें हल्का भून के इसको आप डाल सकते हैं। तो बेसन को भी कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप भूनिए, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप इसको भी लो फ्लेम पर लगातार ऐसे चलाते हुए भून लीजिए। तो धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है बेसन का भी। तो ये देखिए, बेसन भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच जो है जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर है। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे स्वादानुसार, ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमने आटे में भी डाला था नमक। लाल मिर्च डालेंगे,
और जो हमने लहसुन और हरी मिर्च ग्राइंड करके रखा था उसे भी इसी में डाल देंगे। और डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को बेसन के साथ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। मिक्स करने के बाद हमने जो तीसी का पाउडर बनाकर रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को भी आपको भून लेना है। अब हम इसमें तीसी भी डाल देंगे जो पाउडर तैयार करके हमने रखा था। और इसे भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है बेसन के साथ और मसालों के साथ। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे कचौरी तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन 4 दिन आप आराम से इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं, आप आलू की सब्जी के साथ भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आप चाहें तो इसमें एक प्याज भी डाल दें, लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो स्टफिंग भी हमारी रेडी है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल करके इसे ठंडा कर लेंगे। तो आप देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ गया इसका। तो अब इसको प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका, जैसे हम लड्डू बनाते हैं इस तरीके से आप बना के रख के भी उसकी स्टफिंग कर सकते हैं। अब जो हमने मैदे का डो रेडी किया था उसमें से हम थोड़ा सा मैदा लेंगे, ज़्यादा नहीं, उतना ही लेंगे जैसे हम पूरी फ्राई करते हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे मैदा तो जो है वो कच्चा लगेगा, ज़्यादा मोटा हो जाएगा कचौरी। तो ज़्यादा मत लीजिए आप मैदा, थोड़ा सा ही लीजिए। और इसको एक शेप में, कटोरी के शेप में करके हम इसकी स्टफिंग करेंगे, जैसे हम आलू की कचौरी बनाते हैं, और भी कोई कचौरी बनाते हैं उसी तरीके से आप इसकी भी कचौरी बनाएंगे। तो ये देखिए इसको मैंने कटोरी के शेप में बना लिया है। इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें से 1 चम्मच हम इसमें डाल के इसको कवर कर देंगे। आप 1 या 2 चम्मच अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको मसाले को डाल करके अच्छे से कवर कर दीजिए। अगर आप अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये फट सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर करिए। और ये कचौरी आप हाथों से भी बना सकते हैं और बेल कर भी बना सकते हैं। मैं एक आपको हाथ से ही बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो बनाना नहीं है। तो आप इसको हाथों से ही प्रेस करते हुए बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है अच्छे से। इस तरीके से आप हाथों से प्रेस करते हुए कचौरी बना सकते हैं। मैं एक आपको बेल कर भी बनाकर दिखाऊंगी इसकी कचौरी। तो ये देखिए बिना बेले मैंने इसको बनाया है। और एक मैं बेल कर भी दिखाती हूँ आपको। हल्के हाथ से आपको बेलना है इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम, छोटा ही बनाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए ऐसे बना लीजिए। तो इसी तरीके से मैं सारा कचौरी पहले बना लूँगी, उसके बाद फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई में और इसको अच्छे से गरम कर लेना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। तो अब हम कचौरी फ्राई करेंगे जो भी हमने बना के रखा था। आप एक एक करके इसमें डाल करके फ्राई कर लीजिए। इसको डालने के बाद आप जो है कढ़ाई में
आप गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, फिर इसको लो फ्लेम पर दोनों साइड से पकाइए अच्छे से, तभी ये जो है थोड़ा क्रिस्पी बनेगा, नहीं तो ये बाहर से तो जो पक जाएगा लेकिन अंदर से पकेगा नहीं, ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो आप इसको लो फ्लेम पर जो है फ्राई करिए इसी तरीके से दोनों साइड से पलट कर। तो धीरे धीरे अभी इसका कलर चेंज होगा, अभी अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है। तो ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करिए, जल्दबाजी मत करिए फ्राई करते टाइम। तो कचौरी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से जो भी बाकी मैंने बना के रखा था उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कचौरी बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसी तरीके से मैं सारा फ्राई कर लूँगी, तो मैं आपको इसे एक प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कचौरी हमारा रेडी, मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितना क्रिस्पी कचौरी बना है। तो आप इस तरीके से तीसी का कचौरी ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।